बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड बैंक। ब्लड बैंक क्या है? स्टोरेज ऑफ ब्लड और ब्लड कंपोनेंट, यानी ब्लड को सेव करना और उसके कंपोनेंट WBC, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल, प्लाज्मा ETC। ब्लड बैंक इज़ पार्ट ऑफ हॉस्पिटल लेबोरेटरी वेयर वी स्टोर द ब्लड एंड डू प्रॉपर टेस्टिंग ऑफ ब्लड टू अवॉइड द रिस्क ऑफ ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड प्रॉब्लम। यानी ब्लड बैंक हॉस्पिटल में एक लेबोरेटरी होती है जिसमें हम ब्लड को स्टोर करते हैं और उसमें प्रॉपर टेस्टिंग की जाती है ताकि हम मुख्तलिफ बीमारियों से खून देते वक्त बच सकें, पेशेंट भी बच सके, क्योंकि इसमें HIV और दूसरी बीमारियां मौजूद होती हैं। इन ख़तरों को चेक करने के लिए इसका लैब टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाई वी ट्रांसफ्यूज ब्लड। हम चार किस्म में चार तरह ब्लड डोनेट करते हैं। एक अनीमिया, ब्लड की कमी हो, ब्लड लॉस, वो किसी इंजरी से भी हो सकता है, एक्सीडेंट से भी हो सकता है, और सर्जरी यानी औरतों का ऑपरेशन वगैरह में भी हो सकता है। ल्यूकीमिया, ब्लड की कोई बीमारी हो, पेशेंट हैवन कोगुलेशन फैक्टर डेफिशिएंसी यानी ब्लड के जमने की डेफिशिएंसी हो, तो उस सूरत में भी हम ब्लड देते हैं। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, लिहाजा हम लिमिटेड पढ़ेंगे, जिसमें मेन वजह हम बताएंगे कि क्यों ब्लड हम ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप है हाउ ब्लड बैंक वर्क। ब्लड बैंक किस तरह काम करता है? ब्लड बैंक इस तरह काम करता है, जब एक पेशेंट हॉस्पिटल जाता है तो पेशेंट की फैमिली एक मेंबर अरेंज करते हैं, उसको हम डोनर करते हैं, डोनर कहते हैं। प्रोसेस इन ब्लड बैंक यानी कि उसके बाद वो ब्लड टेस्टिंग के लिए चला जाता है हॉस्पिटल में, उसके बाद उसका लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं जिसमें HIV और मुख्तलिफ बीमारियों को चेक किया जाता है। अगर वो बीमारियों से पाक हो तो फिर पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है, अगर पेशेंट को ज़रूरत हो, फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट को WBC चाहिए या रेड ब्लड सेल, तो हम उसमें से वो क्वांटिटी निकाल के ब्लड में से वो पेशेंट को लगा देते हैं ताकि पेशेंट भी बच सके और इस तरह ब्लड का जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो हम ले लेते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वर्क इन ब्लड बैंक। टाइप्स ऑफ वर्क इन ब्लड बैंक में हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, जिसमें फॉरवर्ड ग्रुपिंग, रिवर्स ग्रुपिंग यानी फॉरवर्ड ग्रुप मैच कर जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिया जाता है, रिवर्स ग्रुपिंग अगर मैच नहीं करता तो उसको वापस कर दिया जाता है सैंपल को। HIV, हेपेटाइटिस BC, मलेरिया, सिफिलिस, इन बीमारियों को चेक किया जाता है कि ये कॉन्टीजियस डिजीज हैं, ये फैल ना जाए, तो इन बीमारियों को लेबॉर्ट्री के ज़रिए चेक किया जाता है। एफरेसिस यानी कि जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो हम अलहदा कर देते हैं, मसलन रेड सेल्स, ल्यूकोसाइड्स, प्लेटलेट्स, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, यानी जो चीज़ हमें चाहिए होगी हम उसको ब्लड में से अलहदा कर देंगे। अगर हम एक वायल में ब्लड लेते हैं तो उसमें 55% जो है प्लाज्मा होगा, उसके बाद 1% प्लेटलेट या WBC होंगे और 44% रेड ब्लड सेल होंगे। सबसे ऊपर जो है टॉप वो प्लाज्मा है, मिडल वाला प्लेटलेट या WBC और उसके बाद बॉटम वाला रेड ब्लड सेल। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसमें हमने बिल्कुल ब्रीफ नोट बताया है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट्स में, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।